मारियोपोल में रूस ने एक आर्ट स्कूल पर हमला किया है जहां 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। स्कूल की इमारत तबाह हो गई। माना जा रहा है कि कई लोग दबे हैं। इससे पहले एक ड्रामा थिएटर पर भी हमला किया गया था। रूस का स्कूल पर हमला हुआ है, 400 लोगों के दबने की आशंका। राजेश, क्या इस बड़ी खबर से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? स्कूल में 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। लगातार हम देख रहे हैं आम जिंदगियों की जिंदगी पर संकट बना हुआ है। देखिए मलिका, जो ये स्कूल्स और किंडरगार्टन में हमले की खबरें आती हैं, खासकर यूक्रेन की तरफ से, उनको हमें थोड़ा कॉशन के साथ लेना पड़ेगा। ये स्कूल और किंडरगार्टन अभी काम नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये सिर्फ अभी सोल्जर्स के लिए, सिपाहियों के लिए या मिलिशिया को हाउस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा रूस का कहना है, और इसीलिए ऐसे बड़े उन पे हमले हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से नॉर्मल शरणार्थी नहीं है, ये या तो फौज के लोग हैं या मिलिशिया के लोग हैं जिनको इस बिल्डिंग में हाउस करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और यही कारण है कि रूस इनको टारगेट कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको यही बता दूं, जैसे मारियोपोल शहर के आधे से ज्यादा हिस्से पे रूस का ऑलरेडी कब्जा है, और वहां यूक्रेन फौजों ने कल काउंटर अटैक्स लॉन्च किए हैं, मतलब उन्होंने हमले किए हैं, और उन हमलों में भी सिविलियंस के मरने की खबर आई है। तो सिविलियंस दोनों तरफ से मर रहे हैं, दोनों तरफ के हमलों से मर रहे हैं, एक तरफ की बात नहीं है ये।